एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू सेल्फ टीचर विद मन्नू। सो गाइस, आज का वीडियो सारे ही व्यूअर्स के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तुनिशा शर्मा के बारे में। आई होप आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि आज से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने हाथों से अपनी लाइफ को एंड कर लिया है। हालांकि उसके पास से काफी सारी बातें सोशल मीडिया पर आपको देखने मिल रही हैं। कोई सीजान की तरफ से बातें कर रहा है, कोई तुनिशा की तरफ से कर रहा है, बट इसी बीच काफी सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया है। एंड दूसरी तरफ सीजान से मिले हुए तुनिशा को केवल 4 महीने ही हुए थे। सो 4 महीने में ऐसा क्या ही हो गया जो तुनिशा ने अपने हाथों से अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया केवल 20 साल की उम्र में। सो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिए और स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो गाइस, एज वी ऑल नो कि आज से कुछ दिनों पहले ही तुनिशा ने अपने हाथों से अपनी खूबसूरत जिंदगी को खत्म कर लिया है, जिसके लिए काफी सारे लोग सीजान को कसूरवार ठहरा रहे हैं। हालांकि फिलहाल तो वो पुलिस कस्टडी में है एंड उनके साथ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पर इसी बीच हम कहानी की शुरुआत तब से करते हैं जब सीजान से तुनिशा पहली बार मिली थी, यानी कि अगस्त के अंदर। जी हाँ गाइस, तुनिशा एंड सीजान पहली बार उनके शो अली बाबा दास्तान एक काबुल के लिए ही मिले थे। बिकॉज इस शो के अंदर मेल लीड जो है वो सीजान थे एंड तुनिशा फीमेल लीड प्ले कर रही थी। सो ऑब्वियसली दोनों का इंटरेक्शन तो होना ही था। एंड ये शो स्टार्ट हुआ था 22 अगस्त 2022 से, यानी कि अभी तुनिशा एंड सीजान को मिले हुए केवल 4 महीने का ही टाइम कंप्लीट हुआ है। एंड इससे पहले वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। जहां से सीजान की तरफ तुनिशा बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थी एंड वो उन्हें काफी पसंद आ रहे थे। पर आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि इससे पहले तुनिशा डेट कर रही थी गौरव भगत को, जिनके साथ उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा प्यारा चल रहा था। दोनों ही सोशल मीडिया पर आए दिन पिक्चर्स एंड वीडियो शेयर करते रहते थे एंड उनके रिलेशनशिप के बारे में तुनिशा एंड गौरव दोनों की ही फैमिली को पता था एंड दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। एंड गाइस, कहानी में मोड़ तब से आया जब गौरव ने अपनी आगे की स्टडीज के लिए कनाडा जाने का डिसीजन लिया। एंड गाइस, जब ये चीज फाइनल हो गई थी कि गौरव जो है वो कनाडा जा रहे हैं, तुनिशा उन्हें बाय बोलने आई थी एयरपोर्ट पर, तब भी तुनिशा बहुत ज्यादा रो रही थी एंड इस चीज का उन्होंने खुद से वीडियो भी शूट किया था। सो उस टाइम पर दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि उनका जो रिलेशनशिप है, जो ये रिश्ता है, वो ऐसे ही चलने वाला है एंड हमेशा वो लोग साथ रहेंगे। पर गाइस, आगे चल के कुछ और ही हुआ। एक तरफ गौरव का अपनी स्टडीज के लिए कनाडा जाना हुआ, वहीं दूसरी तरफ तुनिशा ने अली बाबा शो ज्वाइन कर लिया। सो धीरे धीरे वो गौरव से डिटैच होती गईं एंड सीजान के करीब जाती गईं। सो तुनिशा ही वो पर्सन थी जिन्होंने गौरव के साथ में ब्रेकअप कर लिया था। एंड ये चीज इतनी ज्यादा शॉकिंग है कि काफी सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं थी कि तुनिशा एंड गौरव का ब्रेकअप हो चुका है। बिकॉज इन लोग का रिलेशनशिप काफी प्यारा था, दोनों की फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी थी। सो लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था। हालांकि कुछ महीनों पहले ही गौरव के साथ में तुनिशा ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया था, जिसके बाद खबरें आने लगी कि तुनिशा जो है वो सीजान खान को डेट कर रही हैं। दोनों हर दिन मिलते थे बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें शूट करना होता था। तुनिशा सीजान को तो जानती ही थी, उसी के साथ साथ उनकी सिस्टर्स एंड मदर से भी उनका काफी अच्छा बॉन्ड था। इस चीज को लेकर खुद तुनिशा की मदर ने बोला है मीडिया से एंड बहुत बार सीजान ने तुनिशा को अपनी मदर एंड सिस्टर से मिलाया भी है। तुनिशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी मदर एंड सिस्टर के साथ में काफी सारे पिक्चर्स भी शेयर कर चुकी हैं। सो दोनों ही काफी सारी चीजें, चाहे फैमिली ओकेजन्स हो, बर्थडेज हो, सब साथ में सेलिब्रेट करा करते थे। काफी सारे ट्रिप्स भी साथ में कर चुके थे। सो बहुत ही ज्यादा स्पेशल बॉन्ड वो शेयर कर रही थी सीजान के साथ में। एंड इससे पता लगता है कि सीजान की फैमिली को भी कोई इशू नहीं था उनके बीच एज गैप से या फिर रिलीजन से। बिकॉज गाइस, प्रॉब्लम अगर होती तो आई डोंट थिंक कि उनका रिलेशन 4 महीने भी चलता। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, पर जब तुनिशा की मदर को इस चीज के बारे में पता लगा कि तुनिशा जो है वो सीजान के काफी ज्यादा क्लोज जा रही हैं,
तब उन्होंने इस चीज को क्वेश्चन किया था, तो उस टाइम पर तुनिशा ने उन्हें श्योर करा कि मम्मा मैं सीजान से काफ़ी प्यार करती हूँ एंड ये वन साइडेड नहीं है, बल्कि सीजान भी मुझसे प्यार करते हैं एंड उन्होंने मुझे शादी के लिए भी प्रॉमिस किया है और वो मुझे अपनी फैमिली से भी मिला चुके हैं। सो यहाँ पर उनकी मदर का ये कहना था कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी इस चीज़ से मिली कि उन्होंने अपनी फैमिली से भी तुनिशा को मिलाया है, जिससे कि तुनिशा भी बहुत ज़्यादा श्योर हो गई थी कि अभी मुझसे शादी कर लेंगे। हालांकि गाइस फ्यूचर में क्या होने वाला है ये किसी को भी अंदाजा नहीं था। सो सीजान एंड तुनिशा के रिलेशनशिप के बारे में दोनों के ही फैमिलीज को पता था। हालांकि अब अगर बात की जाए तुनिशा की मदर की, तो उनका कहना है कि तुनिशा उनसे ज़्यादा बातें शेयर नहीं करती थी एंड वो धीरे धीरे करके उनसे दूर चली जा रही थी। अब इस सब के पीछे किसका हाथ था ये किसी को भी नहीं पता है। एंड दूसरी तरफ उन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये भी बताई है कि सीजान जो है वो तुनिशा को हिजाब वेयर करने के लिए भी फोर्स करते थे। सो गाइस दोनों का रिलीजन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था दोनों की रिलेशन के अंदर। एंड उनकी मदर के अकॉर्डिंग 15 दिसंबर को तुनिशा को पता चल गया था कि सीजान जो है वो उन्हें चीट कर रहे हैं एंड उन्होंने उनके फ़ोन से कुछ एक ऐसी चीज़ें देख ली थी, कुछ एक ऐसी चैट्स देख ली थी जिससे उन्हें क्लियर हो गया था दैट सीजान उनसे चीट कर रहे हैं एंड इस चीज़ को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए उन्होंने सीजान से क्वेश्चन करा। उसके बाद सीजान ने उन पर हाथ उठाया एंड क्लियर किया कि अब वो उनसे ब्रेकअप कर रहे हैं एंड इस रिलेशन को वो यहीं एंड कर रहे हैं। सो ये सारी बातें तुनिशा की मदर ने कही हैं, खुद तुनिशा तो ये सब नहीं कह सकती बिकॉज अब तो वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। बात की जाए सीजान की फैमिली की, तो वहाँ पर आगे आकर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। हालांकि उनकी सिस्टर ने एक नोट जरूर सोशल मीडिया पर शेयर किया था कि जितनी चीज़ें लोगों को नहीं पता हैं उतनी ही हम भी अनजान हैं इस सब से, हमें भी नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ सीजान एंड तुनिशा के बीच कि तुनिशा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इन दोनों के ब्रेकअप के बाद तुनिशा डिप्रेशन में थी, एंजाइटी थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा, पर इतना भी ज़्यादा डिप्रेशन नहीं था कि वो अपनी लाइफ को एंड कर लें। तो ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था लोगों के लिए। हालांकि अब बात सामने आई है कि जब उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया उससे कुछ मिनट पहले ही उनका पूरा 15 मिनट्स का कॉन्वर्सेशन था सीजान के साथ में एंड उसी के बाद उन्होंने अपनी लाइफ को एंड कर लिया। तब से सीजान पुलिस कस्टडी में ही हैं एंड पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनसे करे जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है। हालांकि गाइस अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं कि इस सब में सीजान कसूरबार है या नहीं, पर अगर तुनिशा की मदर की बात मानी जाए वो काफ़ी सारे ब्लेम्स उन पर लगा रही हैं, पर सीजान की फैमिली आगे नहीं आ रही है एंड उन्होंने कोई भी इतना बड़ा कमेंट या चीज़ नहीं रखी है मीडिया के सामने। सो गाइस यही कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती थी। आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, लव यू ऑल।